सफाकियत की इंतहा, शोहर ने बदतरीन तशद्दुद के बाद बीवी को देग में डालकर जिंदा जला दिया। शहर कायद में दिल दहला देने वाला वाक्या रोनुमा हुआ है, जहां गलत काम ना करने पर सफाक शोहर ने बीवी को देग में डालकर जला डाला। BNTV के मुताबिक सफाकाना वाक्या कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में वाक्या निजी स्कूल में गुज़िश्ता रोज़ पेश आया, जहां 33 साल खातून को इंसानियत सोज तशद्दुद के बाद देग में डालकर जला दिया गया। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खातून की शनाख्त नरगिस के नाम से हुई, जिसे शदीद तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। कराची की तारीख में ये पहला वाकया है जब बीवी को बेईमाना तशद्दुद के बाद कत्ल करने का ये भूंडा तरीका इख्तियार किया गया। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि संगीन वाकये में खातून का शोहर आशिक मुलविस है। मुलजिम अपनी बीवी को गलत कामों के लिए ज़बरदस्ती करता था। बीवी के मना करने पर शोहर की जानिब से कत्ल का वाकया पेश आया। वाकये के बाद मुलजिम फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खातून की लाश देग से मिलने की खबर इलाका मकीनों तक पहुंची तो इलाके में खौफ का समा पैदा हो गया।